अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे तमाम व्यूअर्स खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दिया करें ताकि हमारी आने वाली हर नई से नई वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुँच जाए और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे। दोस्तों, अभी जो रिश्ता मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये जो रिश्ता है, खातून जो हैं इनकी उम्र जो है वो इस वक्त है जनाब 38 बरस, 38 ईयर्स। जी, तो 38 बरस उम्र है और इनका नाम है तैबा बीबी। तो तैबा जो है 38 बरस एज है और ये एक तलाक याफ्ता लड़की हैं, खातून हैं। इनको जो है अपने पहले शोहर से अलहदा हुए तकरीबन 2 साल का अरसा हो गया है। बच्चे जो है नहीं हैं, बच्चे नहीं हुए, इसलिए जो है शायद इनके शोहर ने इनको छोड़ दिया। इनकी शादी जो थी वो तकरीबन 7 साल चली लेकिन बच्चे नहीं हुए, तो इसलिए जो है शोहर ने इनको छोड़ के और खुद जो है दूसरी शादी कर ली। तैबा जो हैं पढ़ी लिखी हैं, इनकी तालीम मैट्रिक है। इसके अलावा जो है मुसलमान हैं, फिरका सुन्नी है। इनकी जो कास्ट है ये आराई फैमिली से इनका ताल्लुक है। इनकी जो हाइट है वो 5 फुट है। तो इस वक्त जो है तैबा अपने वालदैन के साथ यानी कि अपने पेरेंट्स के घर पर साहिवाल सिटी में रहती हैं। तो 4 बहन भाई हैं, ये तमाम शादीशुदा हैं। तायबा जो है घर में यानी कि सबसे बड़ी थे हैं बहन भाइयों में। तो इनके जो वालिद साहब हैं मोहम्मद मुनीर साहब, उनका हमसे रब्ता हुआ था और वो चाहते हैं कि अपनी बेटी की दोबारा से शादी कर दें। तो इसी सिलसिले में उनको जो है किसी ऐसे रिश्ते की जो है तलाश है कि लड़का जो है वो मुसलमान हो, जात बरादरी कोई भी हो, पाकिस्तान के किसी भी शहर में रहता हो, उसकी जो उम्र है वो 50 साल तक हो यानी कि 50 साल से ज़्यादा ना हो, पहली या दूसरी शादी करना चाहता हो। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि तैबा को जो है पहली जो है इनकी तलाक जो है वो इसी वजह से हुई थी कि इनके बच्चे नहीं हुए। तो इस बात को जो है आप लोग मद्देनजर रखते हुए अगर जो है आप चाहते हैं इनसे बात करना, शादी के बाद मिलना, तो बड़ा मेहरबानी अपनी तमाम तर तफसीलात के साथ अपना मोबाइल नंबर वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें। हम इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे रब्ता कर लेंगे। अगर आपके नसीब में हुआ तो ये रिश्ता ज़रूर आप लोगों के लिए खुशियाँ लेकर आएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।